देश की शक्ति नारी है, पावर। आजकल तो गवर्नमेंट लागू कर दी है ना, राशन कार्ड में सबसे ऊपर नाम महिलाओं का, जो ऊपर में जिसका नाम होता है उसको मुखिया कहते थे, उस घर के मुखिया। अब राशन कार्ड में माताओं का नाम ऊपर लिखा जा रहा है, यानी वो लोग मुखिया होते जा रहे हैं, घर के मुखिया। और बहुत से लोग हैं जो हमारे देश में लीडर के रूप में बैठे हुए हैं और देश का संचालन कर रहे हैं, तो पावरफुल है लोग, शक्ति है। शक्ति तो सबके पास है, लेकिन ये लोग शक्तिशाली है। ये लोग घर को व्यवस्थित करने में, घर को बनाने में, बच्चों के अच्छे पालन पोषण में, अच्छे संस्कार में जो मुख्य भूमिका होती है, वह किसकी होती है? माताओं की होती है। माताओं की भूमिका मुख्य है। ये लोग चाहे तो घर को बना दे और चाहे तो घर को तोड़ दे, ये इन लोगों के पास है। क्यों? क्योंकि ये लोग जैसे बताते हैं वैसे घर के पुरुष उसको मानते हैं और वैसे करते चले जाते हैं। घर जो तो टुकड़ा में होते हैं ना, उसमें इन लोगों का अहम भूमिका होती है, और घर को जोड़ के रखते हैं उसमें भी इन्हीं लोगों की भूमिका होती है। भक्ति, ज्ञान, कर्म, अध्यात्म जगत में ये तीन बातें आती है। भक्ति, ज्ञान और कर्म दुख निवृत्ति के लिए ये तीन मार्ग बताए जाते हैं। इस मार्ग में चल करके दुख की निवृत्ति कर सकते हैं, या जिन लोगों ने भी अपने जीवन के दुख को मेटे हैं वह दुखों से मुक्ति पाए हैं, वह ज्ञान, भक्ति और कर्म के मार्ग में ही चल कर पाए हैं। यहाँ पर थोड़ी देर निवेदन है, थोड़ी सी भक्ति पर ले लीजिए। हमारे संत लोग जब संबोधन करते हैं तो संबोधन में अक्सर कहते हैं भक्ति मई माताओं। पुरुष भी भक्तिवान होते हैं, लेकिन भक्ति मई माताओं कहते हैं, जो भक्ति में सनी हुई है वो ये माता लोग होती है। भक्ति इन लोगों के हृदय में ज्यादा विराजती है। घर में रहते हैं तो अपने माँ बाप के सानिध्य में होते हैं, फिर शादी हो जाती है तो अपने माँ बाप को छोड़ करके ससुराल आ जाती हैं, पति के सानिध्य में हो जाते हैं, और जब पति नहीं होते हैं तो अपने लड़कों के सानिध्य में जीवन गुजारते हैं। और इन सब चीज में भक्ति काम करती है। भक्ति में ये लोग आगे हैं, इसलिए भक्तिमयी माताओं कहते हैं। और हमारे जो भारत देश है, इस भूमि में रग रग में भक्ति समाई हुई है, भक्ति समाई हुई है। जो भक्ति की उपज है वो भारत भूमि में है। संतों ने इसे पहुंचाने में, हम लोगों तक पहुंचाने में संतों की अहम भूमिका है। भक्ति द्रविड़ उपजे लाए रामानंद कहते हैं। बहुत से लोग कहते हैं भक्ति द्रविड़ उपजे, कबीर को जोड़ते हैं, कोई रामानंद को जोड़ते हैं, रामानंद जिसको कबीर साहब के गुरु कहा जाते हैं।
द्रविड़ दक्षिण को कहते हैं, भारत के दक्षिण एरिया को द्रविड़ कहते हैं। वहाँ से भक्ति उपज करके पूरे भारत में फैलाने का काम संत और साध्वियों ने किया है। पहले भी साध्वियाँ रही और उच्च स्थिति की साध्वियाँ रही, तो इन लोगों ने भक्ति को बहाया है, हम लोगों तक लाए हैं। इन्हीं के देन से हम लोग भक्ति को समझते हैं और भक्ति के मार्ग में चलने का प्रयास कर रहे हैं। कबीर साहब ने भक्ति के लिए जगह जगह कहा गया है, प्रयोग किए हैं अपने बीजक में, मुख्य वाणी उनकी बीजक है, उसमें बहुत जगह भक्ति का प्रयोग किए हैं। भक्ति के लिए कहा गया है, भक्ति प्यारी राम की जैसी प्यारी आग, सारा पट्टन जरी मुआ बहुरी लावे मांग। भक्ति अत्यंत प्यारी होनी चाहिए, भक्ति के प्रति आदमी को समर्पण होना चाहिए। जैसी प्यारी आग, जैसे आग से प्यार है, आग से प्यार कैसे है, आग का प्रयोग को तो करते हैं लेकिन कहीं कहीं इतनी बड़ी दुर्घटना घटती है, घर में, फैक्ट्री में, जंगलों में, खेत में, खलिहान में आग लग जाती है और उससे जन धन की बहुत हानि होती है। लेकिन इसके बावजूद क्या हम आग का प्रयोग करना छोड़ देते हैं? नहीं छोड़ते हैं। भोजन बनाने के लिए फिर आग को मांग करके लाते हैं। तो ऐसी प्यारी होनी चाहिए, कबीर साहब ने कहा है। लेकिन भक्ति के नाम पर पहली बात तो यह है कि भक्ति क्या है, किसकी करनी चाहिए, यही हमें मालूम नहीं है। भक्ति न जाने भक्त कहावे, कबीर साहब ने बड़ा व्यंग किया है। भक्ति करना तो जानते नहीं हैं लेकिन भक्त कहलाते हैं। किसकी भक्ति करनी चाहिए ये हम जानते नहीं हैं लेकिन भक्त कहलाते हैं। बिना विचार के, बिना विवेक के, बिना समझ के भक्ति करते चले जाते हैं। तो किसकी भक्ति करनी चाहिए ये भी हमें मालूम होना चाहिए। लोग भक्ति सदियों से चली आ रही है लेकिन भक्ति के लिए जिसकी उपासना करते हैं उसको जो हमारे इंद्रियों में और नजरों में जो देखने में नहीं आती, काल्पनिक भक्ति करते हैं। अदृश्य शक्ति, कहीं से अदृश्य शक्ति की कल्पना करके उसकी भक्ति करते हैं। और उसके सामने हम आत्मनिवेदन करते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, दर्शन के लिए तरसते हैं, भगवान कब दर्शन दोगे। ये सारी चीज़ें अदृश्य में हम पुकारते हैं। जो अदृश्य है, कबीर साहब ने कहा है, जाकर नाम अकहुआ रे भाई, ताकर काह रमैनी गाई। जो अकहुआ है, जो अनिर्वचनीय है, जो अनुभव में नहीं आता है, उसकी रमैनी गाने से, उसकी महिमा गाने से उसका दर्शन कैसे हो जाएगा? तो भक्ति किसकी करनी चाहिए ये भी तो पता होना चाहिए। संत गुरुजन सीधी सीधी बात करते हैं, हमारे संत लोग, पारखी संत लोग, कि संत गुरु की भक्ति करनी चाहिए, माता पिता की भक्ति करनी चाहिए, अच्छे लोगों की भक्ति करनी चाहिए। माता पिता की भक्ति करते हैं, प्रणाम करते हैं, निवेदन करते हैं, चरण छूते हैं, तुरंत आशीर्वाद मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? तुरंत आशीर्वाद, उधारी की सौदा नहीं। संत गुरु की भक्ति करते हैं, उसके सामने हम अपनी बातों को कह सकते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, तुरंत मिलता है। ज्ञान के देने वाले संत गुरुजन होते हैं। भक्ति
जिंदा लोगों की जाती है। जीवित प्राणी की जाती है, जिससे जिसकी भक्ति करने से हमें ज्ञान मिले और उस ज्ञान से हमारा अज्ञान कटे। भक्ति किस लिए की जाती है? दुख की निवृत्ति के लिए भक्ति की जाती है, मन की निर्मलता के लिए भक्ति की जाती है। और जब किसी निर्मल संत की हम भक्ति करेंगे तभी तो हमारा मन निर्मल होगा। ज्ञानी पुरुष की भक्ति करेंगे तभी तो हमें ज्ञान मिलेगा। आचरणवान संत गुरुजनों या सज्जनों की भक्ति करेंगे तभी तो हमारा भी आचरण सुधरेगा। तो भक्ति किसकी करनी चाहिए ये मालूम होना चाहिए। भक्ति के नाम पर बहुत से आडंबर चलते हैं, बहुत से दिखावा होता है। आजकल तो रात रात भर भक्ति चलती है, पड़ोसियों पर क्या बीतता है, साउंड इतनी डीजे बजाए जाते हैं, लोगों को केवल डिस्टर्ब करते हैं। लेकिन अब भक्ति के नाम पर ये सब चलता है, ध्वनि प्रदूषण, नाच गान, तमाम प्रकार के आडंबर चलता है। कबीर साहब ने इसके लिए भी कहा है, देह हलाए भक्ति नहीं होई, केवल नाचना गाना ही भक्ति नहीं है। तो भक्ति करना चाहिए और भक्ति करते हैं, लेकिन किसकी भक्ति करना चाहिए ये भी हमें मालूम होना चाहिए। माता लोग भक्ति करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, भक्ति भावना में रमते हैं। एक छोटा सा चुटकीला सरीखे है, एक माता बहुत भक्ति भावना वाली थी, उसका कोई औलाद नहीं था, वो हनुमान जी से हनुमान जी की पूजा करती थी। वो पूजा करते थे पूजा करती थी और उनसे वह निवेदन करती थी कि हनुमान जी मेरा एक तो बच्चा हो जाए, एक बच्चा हो जाए, मैं संतान विहीन हूं तो एक तो बच्चा हो जाए। जब उसके पति ने सुना तो सीख देने के लिए अपनी पत्नी को उसने कहा कि तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। उसकी पत्नी कहती है कि पति परमेश्वर आप भी कैसे बात करते हैं। तो उसके पति कहते हैं कि नहीं नहीं तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। उसकी पत्नी कहते हैं आप ये आज कैसे बात कर रहे हैं। उसके पति कहते हैं कि क्योंकि तुम हनुमान जी से बच्चा चाहते हो तो मेरी जरूरत नहीं है, आपको हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हनुमान जी आपको बच्चा देंगे। आप जानते हैं स्त्री और पुरुष के संयोग से ही बच्चा होता है। तो भक्ति तो जरूरी है, जहां रहते हैं समर्पण का नाम ही है भक्ति। घर में परिवार में आश्रम में रहते हैं, अगर वहां हम समर्पित भाव से नहीं रहते हैं तो भक्ति फलित नहीं हो सकती। माताएं घर में रहती हैं, सबसे बड़ा उसका ईश्वर है, परमेश्वर है पति, इसीलिए पति परमेश्वर कहा जाता है। पति को परमेश्वर सबसे जो समर्पित है, जो उसके लिए सबसे बड़ा भगवान है माताओं के लिए, वह है पति। लेकिन पति परमेश्वर को भी चाहिए, पति परमेश्वर लोग पत्नी को कमजोर समझते हैं और उसके साथ गलत व्यवहार करते हैं। खुद तो नशा पान करते हैं लेकिन अत्याचार माताओं पर करते हैं। अरे कम से कम आप उसके पति पति महोदय हैं तो समझिए, जो आपको इतने समर्पित होकर के आई है, अपने घर छोड़ करके आई है, तो उसको आपको प्रेम से रखना है। वो जब समर्पित, जब तक एक दूसरे को समर्पित नहीं होंगे तब तक सुख से रह भी नहीं सकते हैं। रहते हैं लोग, जीवन बिता देते हैं, अलग बात है, लेकिन एक दूसरे के प्रति समर्पित होना पड़ता है। अभिलाष साहब जी, सदगुरु अभिलाष साहब जी कहा करते थे,
कि शिष्य अगर गुरु को समर्पित है, जितने भाव से समर्पित, उससे ज्यादा भाव से गुरु को शिष्य को समर्पित होना पड़ता है। आप सोचिए, ऐसे गुरु कह रहे हैं। तो बिना समर्पित के भक्ति फलित नहीं हो सकती है। माताएं पति को समर्पित होती है, अभी अच्छी बात है, लेकिन पति को भी पत्नी को समर्पित होना चाहिए, उसकी भी भावनाओं को समझना चाहिए। इस भारत देश में एक पत्नी का रिवाज है, हिंदुओं में एक पत्नी करते हैं और अग्नि को साक्षी मान करके सात फेरे लेते हैं और उसको जीवन भर निभाने का संकल्प करते हैं। विदेशों में ऐसा नहीं होता है, ये सिख हमारे भारत देश में होते हैं, ये मर्यादित हमारे भारत देश में है, इसलिए इस भारत देश को धर्म गुरु कहा जाता है। विदेशों में ऐसा नहीं होता है। गांधी जी ने एक बार विदेश गया था, इंग्लैंड गए हुए थे, तो रिक्शा से जा रहे थे, बगल में देखते हैं कि एक महिला कब्र बनाए हुए हैं, वहां पर पंखा झेल रही थी। गांधी जी ने कहा कि अरे हमारे देश में तो पति की सेवा जीते जी की जाती है और यहाँ तो मरने के बाद भी कब्र में, शमशान घाट में कब्र में भी पंखा झेल रहा है, पंखा डोला रहा है। ये तो भारत देश से बढ़कर के भक्ति भावना यहाँ है। हमारे देश भारत के लोगों को सती सावित्री पतिव्रता कह जाती, यहाँ तो उससे भी बढ़कर के। रिक्शा वाले से कहा गांधी जी ने कि रुको रुको भैया, यहाँ इतनी बड़ी भक्ति भावना। रिक्शा रोका गया, गांधी जी ने, गांधी जी गए उस महिला के पास, उसने कहा कि माता जी आपको प्रणाम है, हमारे देश में तो जितना सेवा करना है जीते जी की जाती है पति की सेवा, और एक आप हैं कि आपके पति न रहने के बाद भी आप उसके कब्र को आप हवा दे रही है, झेल रही है, आपको मेरा बार बार प्रणाम है। वह महिला कहती है कि गांधी जी ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मेरे पति ने कहा था कि मैं मर जाऊंगा, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि विदेश में ऐसा होता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि आप सेकेंड हैंड पति कर लेंगे। अब सेकेंड हैंड पति पत्नी भारत में भी होने लगा है, पहले भी रहा है, अभी भी करते हैं, बहुत कम है लेकिन हो रहा है, मतलब दूसरी दूसरा पति तो आप कर लेंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ये मेरे पति ने कहा था, लेकिन ये भी कहा था कि कम से कम मेरे जो कब्र का मिट्टी है वो तो सूख जाए, और हफ्ता भर बीत गया है गांधी जी, ये मठ का जो मिट्टी है सूखती ही नहीं है, तो थोड़ा जल्दी सूखे करके मैं यहाँ हवा झेल रही हूँ, पंखा दे रहा हूँ, कहते हैं। हमारे भारत देश में ऐसे नहीं होता है। हमारे भारत देश में जीते जी समर्पित भाव से, बड़े भक्ति भाव से सेवा की जाती है। अब पति के बिना समझो कि जीवन अधूरा है। सीता वनवास किसका हुआ था? राम जी का। लेकिन साथ में कौन गए? माँ सीता गई, बहुत रोके गए, चाहे जनकपुर में रहो, चाहे अयोध्या में रहो, कहीं भी रहना हो रहो, तुम नहीं, जिस जंगल के दुख को तुम नहीं झेल सकती, कांटे हैं, जानवर है, कष्ट है, लेकिन नहीं, मैं जाऊंगी जाऊंगी मैं। नाथ सकल सुख साज तुम्हारे, हे नाथ सब सुख आपके साथ है, आपका दुख मेरा दुख, आपका सुख मेरा सुख, और आपके बिना चाहे जितना सुख मिले वह मेरे लिए व्यर्थ है, और आपके साथ अगर कहीं नरक में भी कह रहना पड़े तो प्रभु वह मेरे लिए स्वर्ग ही है। जीव बिना देह नदी बिना बारी, जीव बिना देह नदी बिना बारी, और ना पुरुष बिना ये कहते हैं कि जैसे जीव के बिना देह शोभा नहीं है। जब जीव इस शरीर से निकल जाता है तो शरीर का कोई शोभा है क्या? मिट्टी हो जाती है। और नदी में कोई पानी ना हो तो नदी बेकार है। वैसे ही
स्त्री के लिए बिना पुरुष का उसका जीवन बेकार है, जीते जी अलग। तो वनवास राम का हुआ था, लेकिन साथ में सीता भी उसके साथ जाती है। तो ऐसी भक्ति हमारे भारत देश में चलती है और हमारे संत गुरुजन भक्ति के लिए बड़े जोर देते हैं। भक्ति पहली सीढ़ी है, अध्यात्म मार्ग में भक्ति पहली सीढ़ी है। अगर हमारे मन में हृदय में भक्ति नहीं है तो हमारा अध्यात्म मार्ग में चलना मुश्किल है। और संतो भक्ति सतो गुर आनी, ये भक्ति सदगुरु के द्वारा हमारे जीवन में आती है। संतो भक्ति सतो गुर आनी, सदगुरु ही इस भक्ति को हमारे अंदर लाती है, लाते हैं। इसलिए हम सबको भक्तिवान होना चाहिए और ये भी समझना है कि हमें भक्ति किसकी करनी चाहिए। संत गुरुजन कहते हैं जीवित लोगों की भक्ति करनी चाहिए, संत गुरुजनों की भक्ति करनी चाहिए, उससे हमें ज्ञान प्राप्त होते हैं। और संत सदगुरु हमारे संजोग से उनके सानिध्य में हम लोग बैठे हुए हैं, उनके ज्ञान अमृत से लाभ लेना है और अपने जीवन को सफल बनाना है। प्रेम से बोलिए सदगुरु देव की, संत समाज की जय। बोलिए सदगुरु।